राइट, सो नेपाल की वीडियोज आप अब तक देख चुके हो। नेपाल सीरीज के बाद अब मेरी अगली मोटरसाइकिल एंड अगली राइड होने वाली चालू। वेल, वेयर एम आई? आई एम हियर एट हीरो मोटरसाइकिल्स हियर एंड विद मी आर दीज मोटरसाइकिल्स, द हीरो एक्सपल्स 200 जो कि हम राइड करने वाले हैं टू हिमाचल। सो वेल, एक क्विक वॉक अराउंड देखो मोटरसाइकिल का और उसके बाद मैं आपको जो दिखाता हूँ और कुछ शॉर्ट्स मोटरसाइकिल कर, थोड़ी और आगे हम बातें करते हैं। सो दिस हियर इज द हीरो एक्सपल्स 200 दैट आई एम राइडिंग टू हिमाचल। अभी रूट क्या है वो मुझे भी नहीं पता है कुछ खास, एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ एडवेंचर मोटरसाइकिल्स लाइक दीज कि आपको पता नहीं भी आप कहाँ जा रहे हो तो उसके बाद भी यू कैन ट्रस्ट दीज मोटरसाइकिल्स विद हीरो का ब्रांड भी, मतलब ऐसे ट्रस्ट हुआ दी ब्रांड है इंडिया का, बहुत सालों से आ रहा है। एंड दिस इज अ न्यू मोटरसाइकिल बाय देम विच इज द हीरो एक्सपल्स 200। नाउ दिस मोटरसाइकिल हियर कम्स विद अ 200cc इंजन जिसमें 17 Nm ऑफ टॉर्क है एंड 18 PS ऑफ पावर है। तो कंपेयर टू ऑल द बिग मोटरसाइकिल्स दैट आर राइड, वेल आपको थोड़ी कम लगेगी, बट देन एट द सेम टाइम जिस कंडीशन में हम इस बाइक को चलाएंगे वो काफ़ी एडिकेट होने वाली है मेरे हिसाब से, एटलीस्ट वो हम आगे देखेंगे। बट एक प्रॉपर एडवेंचर मोटरसाइकिल टाइप, इसका जो स्टांस है जो आप देख सकते हो एकदम थिन है, सो आप एकदम लेग्स अपनी जो है पकड़ के टैंक से जो है बाइक को स्लाइड वेज चला सकते हो। अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट जो कि एक साइड पे है, यू गॉट डिस्क ब्रेक्स एट द फ्रंट, यू गॉट डिस्क ब्रेक्स एट द बैक विद ABS जो कि आज की कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उसके बाद प्रिटी मॉडर्न, मतलब इम्पल्स के कंपेरिजन में इफ़ यू कंपेयर इट इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग एटलीस्ट, इट्स अ वेरी मॉडर्न टेक ऑन द एक्सपल्स हेयर विच इज़ अ 200cc मोटरसाइकिल बाई हीरो। And this here is again another version of the same which is the एक्सपल्स T या फिर टूरिंग जिसको हम कह सकते हैं, बट हम टूरिंग से ज़्यादा एडवेंचर करने वाले इस ट्रिप पे। सो दिस हेयर इज द हीरो एक्सपल्स एक्सपीडिशन टू हिमाचल ऑन स्केच पिल राइड। इनिशियल जिसको बोलते हैं ना, आपको बाइक पे बैठती जो फील आती है वो ये आती है कि क्या हल्की बाइक है यार बहुत ज़्यादा हल्की, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। एंड टैंक जो मैं ऑलरेडी ऐसे पकड़ रहा हूँ तो बहुत बहुत बढ़िया ही फीलिंग आ रही है कुछ। मतलब ऐसे पावर फिगर के बारे में मैं कुछ ऐसे खच्चे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा हूँ मोटरसाइकिल से, बिकॉज वेल इसका जो पर्पज़ है मोटरसाइकिल का वो पावर नहीं देना है आपको हद से ज़्यादा, वो है आप मज़े ले सको ऑफ रोड। एंड ऑलरेडी मुझे ऐसे समझ आ रहा है सामने का जो टायर है वो बड़ा है, तो बड़े टायर का जो हैंडलिंग आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ आती है नॉबी होते हुए, वो भी जो है काफ़ी हद तक जो है समझ आ रहा है। एंड वेल दिल्ली का जो सबसे फेमस ढाबा है हम वहाँ पे जो है आ चुके हैं, XBHP ढाबा बोलते हैं जिसको। सो जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग दैट आई एम स्टिल इन नेपाल, व्हेन आई एम नॉट इन नेपाल, अब हम सनी से जो है यहाँ पे बनी के पास आ चुके हैं। सो आई एम हियर इन दिल्ली राइडिंग टू हिमाचल टुमारो विद दिस ग्रुप ऑफ लवली पीपल हियर। सो आई हैव गॉट अ मोटरसाइकिल ट्रेनर हियर कॉल्ड सुपर्णा, एंड आप क्या करती हो, क्या चलाती हो बता दो थोड़ा सा। ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, आप कोई भी बाइक दे दो मैं चला दूंगी। परफेक्ट, यही स्पिरिट होना चाहिए, कोई भी बाइक मैं चला दूंगी। देन वी हैव अ बाइकिंग कपल, मतलब मैं पहली बार एक बाइकिंग कपल के साथ जो है राइड कर रहा हूँ विच इज किरण एंड सचिन फ्रॉम ब्रूम विद किरण एंड सचिन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? यस, करेक्ट, एकदम। एंड ये आए हैं आमची मुंबई से, सो मेरे को जो मराठी वाली फील थी सगली जनता मेरी देख लो फुल फील के साथ जब हम महाराष्ट्र दिल्ली दोनों करने वाले। एंड सनी के साथ मैं राइड करके आ चुका हूँ नेपाल सर, अब मैं राइड करने वाला हूँ बनी के साथ यहाँ पे। ये जो है सनी के काफी पुराने दोस्त है एंड आपकी काफी जो है मुझे से टॉप सीक्रेट्स बता चुका है सनी ऑलरेडी। कौन सा बाकी सनी? ये सनी, वो सनी, वो सनी इस सनी को बता चुका है। सो वो बाकी चीजें हम कवर करने वाले हैं इस व्लॉग में एंड इस राइड पे। सो वेल वी हैड अ गुड डिस्कशन, गुड टॉक, बातचीत करके सब कुछ कर करा के हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। एंड जिसका 21 इंचेस का फ्रंट टायर है ना उसकी फील अलग ही है बॉस,
मतलब ऐसे अलग समझ आता है कि हाँ यू राइडिंग अ बाइक जो ऑफ रोड के लिए ही बनी है, मतलब प्रॉपर कैपेबिलिटी ही ऑफ रोड है उसकी। एंड बस दिल्ली में राइड करने का वेल मज़ा तो है यार, बिकॉज सड़कें जो है बहुत ज़्यादा सही होती है दिल्ली की। आपको बॉम्बे की तरह ये टेंशन नहीं होती कि कहीं पे खड्डा आ गया, कहीं पे कुछ आ गया। अब आराम से एटलीस्ट एक चीज़ आपके दिमाग से बाहर होती है, ट्रैफिक इज समथिंग वेल जो हर सिटी में होता है यार, उसके बारे में आप इतना ज़्यादा कंप्लेन कर नहीं सकते बिकॉज यू योर सेल्फ आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द ट्रैफिक। बट दिल्ली के केस में एटलीस्ट एक चीज़ ये है कि ऑड इवन जब से चालू हुआ है तब से जो है ट्रैफिक थोड़ा कम होता है, बाइक्स पर अप्लाई नहीं होता है वो, बट देन अगेन गाड़ियाँ आधी हो जाती है, उससे पोल्यूशन पे भी कंट्रोल आता है। तो वेल केजरीवाल सरकार जो है इस मामले में काफ़ी सही है, जो ये सारे रूल्स वगैरह लेके आती रहती है। मेट्रो इज समथिंग विच आई थिंक इज वर्ल्ड क्लास इन इंडिया, काफ़ी हद तक जो है अब्रॉड की कंट्रीज के जैसी ही है, तो आप मतलब फुल उसका जो है एक फ़ायदा उठा सकते हो एंड यू कैन जस्ट बेसिकली गिव इट अ ट्राई। सो अगर आप दूसरी सिटी से हो और आप दिल्ली आ रहे हो और आपके यहाँ पे मेट्रो नहीं है, तो मेट्रो इज समथिंग जो आई थिंक आपको ट्राई करनी चाहिए। मेरे सामने जो आप देख सकते हो एक और एक्सपल्स जो चल रही है, दैट इज सुपर बाइकर सुपर्णा, हु इज़ अ ट्रेनर एट ईगल राइडर्स अकेडमी। एंड एक बहुत अलग चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ इज़ दैट शी इज़ गिविंग हैंड सिग्नल, जो कि बहुत कम लोगों को मैंने देखा है यूज़ करते हुए या देते हुए। हमारे HOA में तो बॉस फ्रेडी देबू, आप हमारे साथ बाइक चलाओगे हम रगड़ डालेंगे अगर आपने हैंड सिग्नल्स नहीं दिए पीछे वाले को। पहली बात तो आप आओगे नहीं हमारे ग्रुप में, बट देन अगर आए भी बाई चांस एंड आपने जो है उसके बाद हैंड सिग्नल्स वगैरह नहीं दिए तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। एंड आई लव इट, मतलब आप पीछे वाले को बेसिकली बता रहे हो, आप हेल्प कर रहे हो कि आगे खड्डा है, ये है वो है। एंड आई थिंक ग्रुप राइडिंग की एक वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो जीरो तो करो, अभी चालू नहीं हुआ। तो चलो बाकी की जो बात है मैं आपसे घर जाके करता हूँ, पर बस ये जो रिकॉर्ड हुई ना चीज़ आज बड़ा मजा आ गया, मतलब जाके जरा घर पे वार्तालाप करते हैं इस बारे में, भाई मानी के पैसे बारे में, काने धन के बारे में। लेट्स गो होम एंड टॉक टू यू गाइस। सो ये था एक वीडियो जहाँ पे हम लेके आए अपनी नई मोटरसाइकिल द हीरो एक्सपल्स 200 ईयर, जिसको हम चला रहे हैं हिमाचल। अभी जो एग्जैक्ट रूट है वो तो मुझे भी नहीं पता, बिकॉज वेल बनी भाई साहब को वो जो थोड़ा सा सरप्राइज रखना था आपके लिए, नहीं हमारे लिए भी सही। एंड एक्चुअल में ये काफ़ी ज़्यादा ही एडवेंचरस हो गया कि मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ बाइक लेके। सो खुद पे है कॉन्फिडेंस उतना ही है बाइक पे, एंड चलते हिमाचल इस राइड पे। सो आई होप नेपाल वाली सीरीज के बाद ये जो सीरीज आई डू जस्टिस टू इट एंड टू द मोटरसाइकिल। एंड लास्ट में जो वीडियो में नोटिस किया होगा मैंने एक चीज मेंशन की थी अबाउट ब्लैक मनी एंड दिस एंड दैट एंड ऑल ऑफ दैट। मैं इस वीडियो को गंदा नहीं करना चाहता उसके बारे में कुछ बात करके, बट जो अगली वीडियो है वो है एक जो ऑलमोस्ट एक स्कैम हुआ था इस वीडियो के दौरान, एंड उसके बारे में जो मैं आपको बताना चाहूंगा अलग से अगली वीडियो में। सो अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, धमाकेदार आग लगाने वीडियो आने वाली है अगली वाली। एंड व्यूज कितने आते हैं क्या कितने आते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 500 लोगों ने 1000 लोगों ने 5 लोगों ने भी देख ली एंड उनको थोड़ी सी यहाँ आ गई, आई विल बी मोर देन हैप्पी। सो विद दैट सेड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार पीपल, एंड राइड सेफ, ड्राइव सेफ, पार्टी सेफ, चियाओ।